हेलो एंड वेलकम बैक भाई लोग, स्वागत है आप सभी लोग का ट्राइबो यूट्यूब चैनल के और ब्रांड न्यू धमाकेदार वीडियो में। और भाई लोग, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फ्री फायर के कुछ ऐसे खतरनाक बग, कुछ ऐसे ग्लिचेस, कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है। और भाई लोग, आज की वीडियो में भी सारी की सारी बहुत ही ज्यादा खतरनाक ट्रिक है, तो वीडियो को पूरी देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाई लोग, जो हमारी पहले नंबर की ट्रिक होने वाली है उसके लिए आपको आ जाना है ट्रेनिंग में, और ट्रेनिंग में आने के बाद आपको किसी भी गन को लेकर इस वाले बोर्ड के सामने आ जाना है। और भाई लोग, जैसे आप किसी भी गन को लेकर इस वाले बोर्ड के सामने आ जाओगे तो उसके बाद आपको अपनी गन का स्कोप ऑन करके इस वाले बोर्ड के सर पे एम कर देना है। और भाई लोग, जैसे आप लोग अपनी गन का स्कोप ऑन करके इस वाले बोर्ड के सर पे एम कर दोगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे अपने स्कोप ऑफ वाले बटन को और यहाँ पे लेफ्ट फायर बटन को, इन दोनों बटनों को आपको एक साथ दबाना है। और भाई लोग, आपको इन दोनों बटनों को कुछ इस तरीके से दबाना है कि आपकी गन से गोली भी ना निकले और आपका स्कोप भी बंद हो जाए, मतलब कि आपकी गन से गोली नहीं निकलनी चाहिए, इस वाले बोर्ड पे बिल्कुल भी डैमेज नहीं पड़ना चाहिए और आपका स्कोप भी बंद हो जाए। भाई लोग, जैसे आप इन दोनों बटनों को एक साथ दबा दोगे तो उसके बाद आपका एम इस वाले बोर्ड पे चिपक जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। भाई लोग, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरा एम इस वाले बोर्ड पे पूरी तरीके से चिपक चुका है और यहाँ पे मेरी स्क्रीन बहुत ही खतरनाक तरीके से हिल रही है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। तो भाई लोग, जैसे आपका इस वाले बोर्ड पे कुछ इस तरीके से चिपक जाएगा तो उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली इस वाले बोर्ड के सर में जंप कर देना है। और भाई लोग, जैसे आप इस वाले बोर्ड के सर में जंप करके इस वाले बोर्ड के सर के ऊपर चले जाओगे तो उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे रन वाला बटन दबा देना है। और भाई लोग, जैसे आप लोग यहाँ पे रन वाला बटन दबाओगे तो उसके बाद आप लोग यहाँ पे बहुत ही खतरनाक तरीके से गोल गोल घूमने लगोगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। भाई लोग, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं कितने ज्यादा खतरनाक तरीके से गोल गोल घूम रहा हूँ, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। भाई लोग, यहाँ पे मैंने अपनी फोन की स्क्रीन पे टच भी नहीं कर रखा, पर फिर भी यहाँ पे मैं गोल गोल घूम रहा हूँ क्योंकि मेरा एम इस वाले बोर्ड के ऊपर पूरी तरीके से चिपक चुका है, इसलिए मैं यहाँ से नीचे नहीं गिर रहा हूँ। तो भाई लोग, इस वाले बोर्ड के सर के ऊपर इस तरीके से गोल गोल घूमते हुए अगर आपके दोस्त आपको देख लेते हैं तो आपके दोस्त एकदम से शॉक हो जाएंगे। तो ये वाली ट्रिक आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताना। तो चलिए बढ़ते अपनी नेक्स्ट वाली ट्रिक की। और भाई लोग, जो हमारी दूसरे नंबर की ट्रिक होने वाली है, ये वाली ट्रिक भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है। तो इस वाली ट्रिक को करने के लिए आपको इस वाली कार की जरूरत पड़ने वाली है। और भाई लोग, इस वाली कार को लेकर आपको केप टाउन पे आ जाना है और आप लोग यहाँ पे मैप में भी लोकेशन वगैरह अच्छे से देख लो, आपको इसी जगह पे आ जाना है। और भाई लोग, जैसे आप इस वाली कार को लेके केप टाउन पे आ जाओगे तो उसके बाद आपको इस वाली कार को इस साइड लेके चले जाना है, जिस साइड में इस वाली कार को लेके जा रहा हूँ आपको इसी साइड इस वाली कार को लेके चले जाना है। और भाई लोग, जैसे आप इस वाली कार को लेके यहाँ पे आ जाओगे तो उसके बाद आप लोग यहाँ पे मैप में देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा मैप खत्म हो जाता है, मतलब कि यहाँ पे मैप का किनारा है। तो भाई लोग, जैसे आप लोग यहाँ पे आ जाओगे तो उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे आगे की ओर भागना है, और जैसे आप लोग यहाँ पे आगे की ओर भागोगे तो उसके बाद आप लोग यहाँ से आगे नहीं जा पाओगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। भाई लोग, आप लोग यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो, यहाँ पे मैं आगे जाने की कितनी ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ, पर यहाँ पे मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक इनविजिबल वॉल है, इसलिए मैं यहाँ पे आगे नहीं जा पा रहा हूँ। तो भाई लोग, जैसे आप लोग यहाँ पे आ जाओगे तो उसके बाद आपको कार को ड्राइव करना है, और जैसे आप लोग कार को ड्राइव करोगे तो उसके बाद आपको इस वाली कार को इस वाली इनविजिबल वॉल पे चिपका देना है। और भाई लोग, आप लोग यहाँ पे अच्छे से देख लो, यहाँ पे जिस तरीके से मैं इस वाली कार को यहाँ पे इनविजिबल वॉल पे चिपका रहा हूँ, आपको इसी तरीके से इस वाली कार को यहाँ पे इनविजिबल वॉल पे चिपका देना है। और भाई लोग, जैसे आप इस वाली कार को यहाँ पे इस तरीके से चिपका दोगे तो उसके बाद आपको गाड़ी से उतर जाना है, और जैसे आप लोग गाड़ी से उतर जाओगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे गाड़ी में एंटर कर देना है। और भाई लोग, जैसे आप लोग गाड़ी में एंटर कर दोगे तो उसके बाद आपको फिर से गाड़ी से उतर जाना है, और जैसे आप लोग गाड़ी से उतर जाओगे तो उसके बाद आप इस साइड आ जाओगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो भाई लोग, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं इस वाले इनविजिबल वॉल के इस साइड आ चुका हूँ। तो जैसे आप लोग भी यहाँ पे आ जाओगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे पानी में चले जाना है। और भाई लोग, जैसे आप लोग पानी में चले जाओगे तो उसके थोड़ा सा आगे जाने के बाद आप लोग पानी में खड़े हो जाओगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और भाई लोग, जैसे आप लोग यहाँ पे खड़े हो जाओगे तो उसके बाद आप लोग पानी के नीचे पूरा का पूरा हाइड हो जाओगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और भाई लोग, जैसे आप लोग यहाँ पे आ जाओगे तो उसके बाद आप लोग यहाँ से नीचे गिर जाओगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और भाई लोग, जैसे आप लोग यहाँ से नीचे गिर जाओगे तो उसके बाद आप लोग यहाँ पे मैप के किनारे पे आ जाओगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। भाई लोग, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं बरमूडा मैप के किनारे पे आ चुका हूँ, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। भाई लोग, जैसे आप लोग भी यहाँ पे आ जाओगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे जंप करना है, और जैसे आप लोग यहाँ पे नीचे जंप करोगे तो उसके बाद आप लोग यहाँ पे नीचे जाते रहोगे, मतलब कि जब तक आपकी एचपी यहाँ पे जोन से खत्म नहीं हो जाती तब तक आप लोग यहाँ पे नहीं मरोगे, आप लोग यहाँ से नीचे जाते रहोगे। और भाई लोग, जैसे आप लोग यहाँ से नीचे जाते रहोगे तो उसके बाद आप लोग यहाँ से ऊपर का पूरा बरमूडा मैप देख सकते हो, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। भाई लोग, इस वाली ट्रिक को करते हुए अगर आपके दोस्त आपको देख लेते हैं तो आपके दोस्त एकदम से शॉक हो जाएंगे। तो ये वाली ट्रिक आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताना। तो चलिए बढ़ते अपनी नेक्स्ट वाली ट्रिक की। और भाई लोग, जो हमारी तीसरे नंबर की ट्रिक होने वाली है, ये वाली ट्रिक इस वाली वीडियो की सबसे ज्यादा खतरनाक ट्रिक होने वाली है। तो भाई लोग, इस वाली ट्रिक को करने के लिए आपको आ जाना है ट्रेनिंग में, और ट्रेनिंग में आने के बाद आपको सबसे पहले अपनी गन छोड़ देनी है, और जैसे आप लोग अपनी गन छोड़ दोगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे शॉप के पास आ जाना है। और भाई लोग, जैसे आप लोग यहाँ पे शॉप के पास आ जाओगे तो उसके बाद आपको यहाँ से शील्ड गन खरीद लेनी है, जो वाली गन मैं यहाँ पे खरीद रहा हूँ आपको इसी वाली गन को यहाँ पे खरीद लेनी है। और भाई लोग, जैसे आप इस वाली गन को खरीद लोगे तो उसके बाद आपको यहाँ से सिंपली कट कर देना है, और जैसे आप लोग यहाँ से कट कर दोगे तो उसके बाद आपको सिंपली कंबोर्ड जोन में चले जाना है। और भाई लोग, जैसे आप लोग यहाँ पे कंबोर्ड जोन में चले जाओगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ के बंदे आपको देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। भाई लोग, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं जैसे कंबोर्ड जोन में आया तो यहाँ के बंदे मुझे देख पा रहे हैं और यहाँ पे ये बंदे मुझे मार देते हैं। और भाई लोग, जैसे आपको यहाँ पे बंदे मार लेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ से बैक चले जाना है, मतलब कि आपको यहाँ से पूरा का पूरा बैक चले जाना है, आपको यहाँ पे लॉबी में चले जाना है। और भाई लोग, जैसे आप लोग लॉबी में चले जाओगे तो उसके बाद आपको फिर से ट्रेनिंग में आ जाना है। और भाई लोग, जैसे आप लोग फिर से ट्रेनिंग में चले जाओगे तो उसके बाद आपके पास जो भी गन होगी आपको इस वाली गन को छोड़ देना है, और उसके बाद आपको फिर
से यहाँ से सिल्ड गन खरीद लेनी है। और भाई लोग, जैसे आप लोग अपने हाथ की गन छोड़ दोगे और उसके बाद जैसे आप यहाँ से सिल्ड गन खरीद लोगे तो उसके बाद आपको फिर से कंबोर जोन में चले जाना है। तो भाई लोग आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं जैसे सिल्ड गन को खरीद के यहाँ पे कंबोर जोन में चले जाता हूँ तो उसके बाद यहाँ पे मुझे बंदे नहीं दिखाई देते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे बंदों के पास चले जाता हूँ। भाई लोग, जैसे मैं यहाँ पे बंदों के पास चले जाता हूँ तो उसके बाद यहाँ के बंदे मुझे नहीं देख पाते हैं क्योंकि यहाँ पे मैं पूरा का पूरा इनविजिबल हो चुका हूँ। भाई लोग आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं इन वाले बंदों को डैमेज दे रहा हूँ पर यहाँ पे ये बंदे मुझे नहीं देख पा रहे क्योंकि यहाँ पे मैं पूरी तरीके से गायब हो चुका हूँ, इसलिए ये वाले बंदे मुझे नहीं मार सकते। भाई लोग, उसके बाद आप लोग यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो, उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ तो उसके बाद यहाँ पे एक बंदा आ जाता है, उसके बाद जैसे मैं इस वाले बंदे को डैमेज देता हूँ तो ये वाला बंदा मुझे नहीं देख पाता। भाई लोग आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं इस वाले बंदे पे इस साइड से डैमेज दे रहा हूँ पर यहाँ पे ये वाला बंदा दूसरी साइड वो लगा रहा है क्योंकि यहाँ पे मैं पूरा का पूरा गायब हो चुका हूँ और यहाँ पे कोई भी बंदा मुझे नहीं देख पाएगा। भाई लोग, यहाँ पे मेरे सामने सिर्फ एक दो बंदे आ रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे अच्छे से नहीं देख पा रहे होंगे, इसलिए मैं यहाँ पे बहुत सारे बंदों के बीच चले जाता हूँ जिससे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। भाई लोग, जिसमें यहाँ पे बहुत सारे बंदों के बीच चले जाता हूँ तो उसके बाद यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट होती है पर यहाँ पे मुझे एक भी बंदा नहीं देख पाता है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। भाई लोग, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इन बंदों के बीच कितनी ज्यादा फाइट हो रही है पर यहाँ पे मुझे ये सारे के सारे बंदे नहीं देख पा रहे और यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी डैमेज नहीं पड़ रहा है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। भाई लोग, इसी तरीके से अगर आप लोग भी सिल्ड गन को लेकर ट्रेनिंग में आते हो तो आप लोग भी यहाँ पे गायब हो जाओगे, पर इस वाली ट्रिक को करने के लिए आपको 2-3 बार ट्रेनिंग में आना पड़ेगा तभी ये वाली ट्रिक वर्क कर पाती है। मतलब कि अगर आप लोग 1-2 बार इस वाली गन को लेकर ट्रेनिंग में आओगे तो आप लोग यहाँ पे गायब नहीं होगे, पर जैसे आप लोग यहाँ पे 3-4 बार ट्रेनिंग में आओगे तो आप लोग भी यहाँ पे गायब हो जाओगे। भाई लोग, इस वाली ट्रिक को करते हुए अगर आपके दोस्त आपको देख लेते हैं तो आपके दोस्त एकदम से शॉक हो जाएंगे। तो ये वाली खतरनाक सी ट्रिक आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताना। तो चलिए बढ़ते अपनी नेक्स्ट वाली ट्रिक की और भाई लोग, नेक्स्ट वाली ट्रिक की और बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हमारी वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सेट कर देना क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी बहुत सारी वीडियो देखने को मिलती रहती है। और अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दोगे तो आप हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देख पाओगे, इसलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। और भाई लोग, 1-2 दिन बाद में हमारे चैनल का लोगो चेंज करने वाला हूँ, अभी हमारे चैनल का लोगो ये और मैं इसको हटा के ये वाला लोगो लगा दूंगा। भाई लोग, आपको ये हमारा नया वाला लोगो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताना। तो चलिए बढ़ते अपनी नेक्स्ट वाली ट्रिक की और भाई लोग, जो हमारी 4th नंबर की ट्रिक होने वाली है उसके लिए आपको आ जाना है ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग में आने के बाद आपको शॉप के पास आ जाना है। और भाई लोग, जैसे आप लोग यहाँ पे शॉप के पास आ जाओगे तो उसके बाद आपको यहाँ से ड्रैगन ओवर AWM खरीद लेनी है। और भाई लोग, जैसे आप लोग यहाँ से ड्रैगन ओवर AWM खरीद लोगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे कंबोर जोन में चले जाना है। और भाई लोग, जैसे आप लोग कंबोर जोन में चले जाओगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना है। और जैसे आप लोग यहाँ पे आ जाओगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे इसके पीछे लेट जाना है। और भाई लोग, आप लोग यहाँ पे जैसे देख लो, यहाँ पे जिस तरीके से मैं इस वाले बॉक्स के पीछे लेट रहा हूँ आपको इसी तरीके से इस वाले बॉक्स के पीछे लेट जाना है। और भाई लोग, जैसे आप इस वाले बॉक्स के पीछे इस तरीके से लेट जाओगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे इस वाले बॉक्स का यूज वाले बटन को और यहाँ पे फायर वाले बटन को, इन दोनों बटनों को आपको टैप टैप करते रहना है। और भाई लोग, जैसे आप इन दोनों बटनों को एक साथ दबाते रहोगे तो उसके बाद आपकी गन का रेट ऑफ फायर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। भाई लोग, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ड्रैगन ओवर का रेट ऑफ फायर कितना ज्यादा बढ़ चुका है और आप सभी लोग को तो पता ही होगा कि ये वाली गन कितना स्लो चलती है। और भाई लोग, इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे AWM चलानी है तो उसके लिए आपको चले जाना है सेटिंग में और सेटिंग में जाने के बाद आपको चले जाना है कंट्रोल्स में। भाई लोग, कंट्रोल्स में जाने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे होल्ड फायर टू स्कोप ऑन है तो इसको आपको बंद कर देना है। और भाई लोग, जैसे आप इसको बंद कर दोगे तो उसके बाद आपको यहाँ से कट कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे यूज वाले बटन को और यहाँ पे लेफ्ट फायर बटन को, इन दोनों बटनों को आपको एक साथ दबाना है। और भाई लोग, जैसे आप इन दोनों बटनों पे एक साथ टैप टैप करते रहोगे तो उसके बाद आपके AWM का रेट ऑफ फायर भी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और भाई लोग, जैसे आपके AWM का रेट ऑफ फायर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा तो उसके बाद आपकी AWM यहाँ पे रिलोड भी नहीं होगी जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। भाई लोग, यहाँ पे इन स्पीड में ड्रैगन ओवर AWM को चलाते हुए अगर आपके दोस्त यहाँ के बंदे आपको देख लेते हैं तो सारे के सारे बंदे एकदम से शॉक हो जाएंगे। भाई लोग, ये वाली खतरनाक सी ट्रिक आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताना। तो चलिए बढ़ते अपनी नेक्स्ट वाली ट्रिक की और भाई लोग, जो हमारी 5वें नंबर की ट्रिक होने वाली है ये वाली ट्रिक भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है। तो इस वाली ट्रिक को करने के लिए आपको बाइक की जरूरत पड़ने वाली है। तो भाई लोग, बाइक को लेके आपको किसी भी जगह पे आ जाना है और जैसे आप लोग बाइक को लेके किसी भी जगह पे आ जाओगे तो उसके बाद आपको बाइक को लेके आपको किसी भी जगह पे आ जाना है और जैसे आप लोग बाइक को लेके किसी भी जगह पे आ जाओगे तो उसके बाद आपको बाइक से उतर जाना है। और भाई लोग, जैसे आप लोग बाइक से उतर जाओगे तो उसके बाद आपको पहले नंबर पे ड्राइव वाले बटन को दबा देना है, दूसरे नंबर पे आपको वुकोंग वाले बटन को दबा देना है। और भाई लोग, इन दोनों बटनों को आपको जल्दी जल्दी दबाना है तभी ये वाली ट्रिक वर्क कर पाएगी। तो जैसे आप इन दोनों बटनों को जल्दी जल्दी दबा दोगे तो उसके बाद आप लोग वुकोंग बन के बाइक को ड्राइव करने लगोगे जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। भाई लोग, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं वुकोंग की एबिलिटी ऑन करके बाइक को ड्राइव कर रहा हूँ जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। भाई लोग, घास बन के बाइक को चलाते हुए अगर आपके दोस्त यहाँ के बंदे
आपको देख लेते हैं तो सारे के सारे बंदे एकदम से शॉक हो जाएंगे। लेकिन पांच ट्रिकों में से आपको सबसे अच्छी ट्रिक कौन सी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताना। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सेट कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी हर दिन खतरनाक वीडियो देखने को मिलती रहती है। और अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दोगे तो आप हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देख पाओगे, इसलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो भाई लोग चलिए मिलते हैं अगले ऐसे और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।